Good morning, friends. Myself, Dr. Prathmesh Jain. I'm an orthopedic surgeon and specializing in the field of arthroscopic surgery. And we treat a lot of patients with shoulder dislocation. So, today I want to talk about shoulder dislocation and shoulder instability. If you talk about young patients, so shoulder dislocation or shoulder instability, जिसको आम भाषा में कंधा उतर जाना कहते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा आम तकलीफ देखने को मिलती है। शोल्डर डिसलोकेशन किसी भी चोट लगने के कारण इंजरी में हो सकता है। बहुत कॉमनली हमने देखा है कि स्पोर्ट्स इंजरी में टिपिकली जो ओवरहेड स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया और बैडमिंटन हो गया, इस तरह के स्पोर्ट्स में हो सकता है, या फिर किसी तरह के टू व्हीलर एक्सीडेंट अथवा तो और किसी एक्सीडेंट और किसी इंजरी में भी हो सकता है। और सबसे खराब बात इस इंजरी की यह है कि इट्स अ रिकरिंग इंजरी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कंधा एक बार उतर गया है और आपने या तो अपने आप बैठा लिया उसको या हॉस्पिटल में जाके आपने उसको बैठा दिया है, तो भी ये इंजरी रिपीट होने की चांस करीब करीबन, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट और क्या काम कर रहे हो आप, उस वापस होने का, रिकरेंस होने का रेट 50-70% तक हो सकता है। इसका मतलब अगर आपको एक बार कंधा उतरा है तो वापस आपको कंधा उतरने की संभावना बहुत हाई है। और ये कंधा जब भी उतरता है तो इट्स अ वायलेंट एपिसोड। जब भी कंधा उतरता है तो कंधे के अंदर का जो टिश्यू होता है, जो कंधे के अंदर की जो झिल्ली होती है, वो ब्रेक हो जाती है और अंदर काफ़ी हद तक डैमेज होता है। डैमेज दो तरह का होता है। डैमेज में आपके अंदर की जो कंधे की जो गद्दी होती है, जो झिल्ली होती है, वो भी फट जाती है और जो कार्टिलेज है, जो कंधे का जो सर्फेस होता है, जॉइंट का सर्फेस होता है, वो भी खराब हो जाता है। तो हमने कई बार देखा है कि भारत में खास तौर पे पेशेंट्स इसको काफ़ी लूजली लेते हैं और काफ़ी निग्लेक्ट करते हैं और हमारे पास आते हैं जब 25 डिसलोकेशन हो गए, 50 डिसलोकेशन हो गए, और इस उस सिनारियों में हमारे लिए उनको ठीक कर पाना या उनको एड्रेस कर पाना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, एक मुश्किल टास्क हो जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको निग्लेक्ट नहीं करें, इट इज़ अ सीरियस इंजरी। अगर आपका कंधा एक बार उतरा है तो आपको डेफिनेटली इसकी सर्जिकल क्योर के बारे में सोचना चाहिए, और अगर दो बार उतरा है तो आपके दिमाग में सर्जिकल क्योर के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इट्स अ स्मॉल सर्जरी एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन टू योर शोल्डर फॉर अ लॉन्ग टर्म। अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सर्जरी कराना आपके कंधे के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो अब चीज पे आते हैं कि ट्रीटमेंट और इलाज। तो जैसे मैंने आपसे बात की, अगर कंधा उतरा है, एक बार उतरा है तो ऑपरेशन की डेफिनेटली जरूरत है, और अगर दो बार उतर गया है तो ऑपरेशन कंपलसरी है। सो और कोई चीज़ जैसे कि फिजियोथेरेपी, दवाई, मेडिकेशंस इस चीज़ में काम अनफॉर्चुनेटली नहीं करती हैं, और हमें आइडियली वी शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय टेकिंग ऑल दिस एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट लाइक फिजियोथेरेपी, बिकॉज दे सिंपली डोंट वर्क। सो सर्जिकल ट्रीटमेंट इज द ऑप्टिमम थिंग। अब सर्जरीज में डेफिनेटली काफ़ी सारे एडवांसमेंट हो गए हैं। सो व्हाट वी डू इज एन आर्थोस्कोपिक रिपेयर। हम दूरबीन से एक छोटा प्रोसीजर करते हैं जिसको आर्थोस्कोपिक बैंकर रिपेयर करते हैं, और वो करीबन 90-95% केसेस में एक सक्सेसफुल प्रोसीजर रहता है, हमें उसके आगे करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़े ही पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमको एक बोनी ब्लॉक प्रोसीजर होता है, जिसको हमारी भाषा में लेटार्जी बोलते हैं, वो करने की रिक्वायरमेंट आती है। आइदर ऑफ दिस टू, आइदर हम बैंकार्ड प्रोसीजर करें या तो हम लेटार्जी प्रोसीजर करें, रिजल्ट्स जो है बहुत ही प्रिडिक्टेबल हैं और रिजल्ट्स यूजुअली अच्छे रहते हैं, जिसमें पेशेंट्स अपना नॉर्मल काम कर पाते हैं, नॉर्मल जो भी उनको एक्टिविटीज़ हैं करने की वो कर पाते हैं। अगर हम रिकरेंस रेट की बात करें, वापस उतरने की बात करें, तो ये 2-3% से ज़्यादा यूजली नहीं होता है। तो मेरा मैसेज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कि अगर आपको शोल्डर डिसलोकेशन की शिकायत है, कंधा उतरने की तकलीफ है, तो प्लीज़ उसको निग्लेक्ट नहीं करें, उसको एक प्रॉपर ट्रेन शोल्डर सर्जन के पास जाके उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं और उसका प्रॉपर इलाज कराएं। डायग्नोसिस पे छोटी सी बात करना चाहूँगा, इसमें दो तरह के टेस्ट हम यूजुअली करते हैं, एक सीटी स्कैन और एक MRI। दोनों ही टेस्ट अच्छे टेस्ट हैं जो किए जा सकते हैं, पर आइडियली 3D CT जो है वो आजकल इसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट, सबसे बेस्ट टेस्ट माना गया है। MRI भी किया जा सकता है कुछ सेलेक्टिव इंस्टेंसेस में। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी और दूसरी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनको लिख के भेज सकते हैं। वी हैव डेफिनेटली, हमने इस सर्जरी के लिए डेफिनेटली वीडियोस भी काफ़ी सारी अपलोड करी हैं, वो भी आप हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। वी हैव अ लाइव सर्जरी
जो आर्थोस्कोपिक बैंकर प्रिपेयर की एक लाइव सर्जरी है वो भी हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, तो इफ़ यू वांट टू शो सी के एग्जैक्टली वो सर्जरी हम कैसे करते हैं तो वो भी आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। थैंक यू।